हेलो बच्चा, इस वीडियो में बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिजॉल्व इन वाटर। समझो फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है। इस कंटेनर में पानी है, इज अ सॉल्वेंट विच इज वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखो बेटा, सिलेबस में मोस्ट जगह पे हम सॉल्वेंट वाटर को ही लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, रेडीली अवेलेबल, मोस्टली यूज्ड सॉल्वेंट। अब इसमें हम सल्यूट डालेंगे। क्या डालेंगे? सल्यूट डालेंगे। कौन क्या डालेंगे सल्यूट? हम नमक, नमक NaCl, ठीक है। हम सॉल्वेंट डालेंगे नमक NaCl। अब नमक डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नमक घुल जाएगा। घुल जाना मतलब डिसोल्यूशन होना, उसका डिसॉल्व होना नमक। तो एक स्पून डिसॉल्व होगा नमक, दो स्पून, तीन स्पून। एक स्पून डालोगे ठीक है पानी में घुल गया, दो स्पून डालोगे पानी में घुल गया, तीन स्पून डालोगे पानी में घुल गया। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा बेटा, ये क्या है? ये सल्यूट है ना, ये सल्यूट है, ये नमक सल्यूट है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि अब सल्यूशन बोलेगा, अरे बस कर, कितना डालेगा नमक, मैं सैचुरेट हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं मैं? सैचुरेट। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा सल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हो जाएगा, और आगे आप नमक डालोगे ना तो वो डिजोल्व होएगा ही नहीं, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप नमक ठूसते जाओगे, ठूसते जाओगे, ठूसते जाओगे, जैसे मैं आपको खिलाते जाऊंगा, आप खाओगे एक टाइम का, तो आप क्या बोलोगे? अरे बस कर यार, फुल हो गया मेरा पेट। वैसे सोल्यूशन क्या बोलेगा? आप नमक डालोगे डालोगे डालोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्यूशन ही बोलेगा कि भाई रुक जाओ, इतना ज्यादा सल्यूट मैं ले नहीं सकता, ठीक है। गेटिंग इट? तो लिखो बेटा, कंसेप्ट समझा ना आपको? सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, मैक्सिमम सॉल्यूट अपने डाल तो गया है, उसके आगे डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो घुलने वाला नहीं है, डिजोल्व नहीं होने वाला। तो लिखो बेटा, पहला डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिक्टेट करता हूं मैं, अब लिखो लिखो। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, डिजॉल्व डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ। लिख रहे हो बेटा आप कि नहीं लिख रहे हो? लिखा क्या? कितना लिखा बेटा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होगा तो कंडीशंस चेंज होगी। इतना सॉल्यूट डाल सकते हो, उसके आगे डालोगे तो खत्म। फिर तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो आप डाल सकते हो, ठीक है, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये आपने देख लिया, अब आप बताओ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? लॉजिकली बताना, लॉजिकली। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझा कि बस अब सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, उससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते आप। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है, समझ गया। एक और आपकी बुक में यूज है, इतना तो क्लियर है आई होप, है ना? इतना क्लियर है ना? चलो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अब सुपर सैचुरेटेड लॉजिक लगाओ, क्या होगा सुपर सैचुरेटेड? क्या होगा सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या? अनस्टेबल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या? आप सॉल्यूट डाल रहे हो डाल रहे हो, और है ना एक्सटर्नल कंडीशंस भी कुछ आप दे रहे हो इसको, सो दैट वो जबरदस्ती होता रहे, मतलब सेचुरेशन आ चुकी है इसमें, लेकिन फिर भी आप डाल रहे हो,
डाल रहे हो। इक्विलिब्रियम के सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब इतना इक्विलिब्रियम है, इतना सेचुरेट है, उसके आगे आप डाल रहे हो बाय गिविंग एक्सटर्नल प्रेशर। आप समझ रहे हो? ऑब्वियसली ऐसा सोल्यूशन क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अरे सुपरली सेचुरेट कर रहे हो उसको आप। सुपरली सेचुरेट मतलब समझते हो ना, बहुत ज्यादा सेचुरेट कर रहे हो और कंडीशन दे रहे हो, बाहर का प्रेशर डाल रहे हो, टेम्परेचर डाल रहे हो कि भाई नहीं भाई तू रह ले, तू रह ले। तो समझ रहे हो? देखो उसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप किधर जा रहे हो, ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप गए किधर, आपने क्रिकेट खेला। अनसेचुरेटेड मतलब क्या? आप बहुत ज्यादा क्रिकेट आप खेल सकते हो। सैचुरेट मतलब क्या? आपने बहुत क्रिकेट खेला, बहुत क्रिकेट खेला आप, लेकिन आप एक टाइम के क्या बोलोगे, बस हो गया। सुपर सैचुरेट मतलब क्या? आप थक गए हो लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तू क्रिकेट और खेलेगा तो तेरे को ये मिलेगा, तेरे को वो मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया सुपर सैचुरेटेड। आपको समझा मैंने एग्जाम्पल जो दिया वो? तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो ये वीडियो आई होप आपको इजी लगा, बहुत सिंपल पार्ट था ये।